आलू एक ऐसी सब्जी है जो छोटे बड़े सबको बहुत ही पसंद होती है, लेकिन सबकी फरमाइश यही होती है कि अलग तरीके से बनाएं। आज हमने बिल्कुल अलग और नए तरीके से आलू बनाए, ये इतने स्वादिष्ट बने और सबको बहुत ही पसंद आए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने लिए आलू, हमने छोटे वाले आलू लिए हैं, लेकिन बहुत छोटे नहीं, देखिए नॉर्मल छोटे हैं। और अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसको उबाल लिया है कुकर की एक विसल में। आलू अच्छे से उबल चुके हैं, अब हमने ठंडे भी हो गए हैं। देखिए, इसको हम छीलेंगे नहीं, बस क्या करेंगे, हाथों से हल्के से दबा देंगे। छिलके समेत बहुत ही कुरकुरे बनेंगे, आप चाहे तो छिलका उतार भी सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी छिलके समेत ही अच्छी लगेगी। देखिए, सभी को हमने तैयार कर लिया है, आप चाहे तो कटोरी से भी इसे दबा कर तैयार कर सकते हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है, उस पे डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेना है हमने। देखिए, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ये आलूओं को डाल देते हैं। तेज गैस पर ही हमने अलटते पलटते हुए इन्हें शैलो फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे से करारे हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कलर भी आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गए हैं। इसे करने में 4 से 5 मिनट लगे हैं, लेकिन तेज गैस पर ही करा है हमने। अब निकाल लेते हैं ऑयल झाड़ कर एक प्लेट में। देखिए, एक्स्ट्रा ऑयल हमने सारा निकाल दिया है। हमने 8 से 10 कलियां ली थी लहसुन की, छीलने के बाद उसको बारीक काट लिया था, वो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चला दें। देखिए, एक प्याज को हमने बारीक काट के डाला है, अदरक लिया था उसको भी पतला लंबा काट लिया है। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा भून लेते हैं, प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची जिसको मैंने छोटा छोटा काटा है। देखिए, ये आलू हम बनाएंगे चटपटे, लेकिन मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं अभी 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, और ये कम तीखी वाली है, मैंने उसका यूज़ किया है। थोड़ा सा चला देंगे। एक छोटी चम्मच मैं इसमें डालने की सोया सॉस। देखिए, जो सॉस हम डाल रहे हैं ना, उसमें भी नमक होता है, इसके नमक आपने बहुत ध्यान से डालना है। 1 छोटी चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली सॉस। मिक्स कर दें। अब इसमें आलू डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब गैस को लो मीडियम करकर इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे, मसाला अच्छे से कोट हो जाए आलू के में। इसको हमने ढककर पकाया है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने 1/2 नींबू लिया है, उसका रस इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ हरे प्याज के बारीक काट के, ग्रीन ही डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स करना है। बंद कर देंगे, ये बनकर तैयार है। वैसे तो आप इसे चपाती परांठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसे जरूर ट्राई करें, कि घर के हर सदस्य को बहुत ही पसंद आएंगे। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।